आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है एन ऑसिलोस्कोप एक्सप्लेन हाउ द फिलामेंट इज हीटेड अब इसके ना पांच पार्ट हैं इसके पांच पार्ट को हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं इसका पहला पार्ट था हाउ द फिलामेंट इज हीटेड तो इसका आंसर यह है कि द फिलामेंट इज हीटेड वैन अ बैटरी अबाउट सिक्स वोल्ट इज कनेक्टेड विद द ऑसिलोस्कोप कि मैंने आपको बताया था ना उसको हमको ना कोई पोटेंशियल देंगे सिक्स वोल्ट का दिस पोटेंशियल इक्रीजे द कनेक्टिंग एनर्जी ऑफ्ट्रॉस इलेक्ट्रॉन्स इन द फिलामेंट एंड हैज द टेमपरेचर इक्रीजेज विच हीट्स ऑफ द फिलामेंट क्योंकि जो फिलामेंट है ना उसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि उसको हीट मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉस को इंट्रोड्यूस करवाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाने से हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी कर रहे होंगे और हीट हम दे रहे होते हैं उसको बाय यूजिंग पोटेंशियल हम उसको छे वोल्ट का पोटेंशियल दे रहे होंगे अब इसका सेकंड है कि कि हम फिलामेंट को हीट क्यों करते हैं तो मैंने आपको बताया जो ही हम फिलामेंट को हीट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा नेक्स्ट है हमारे पास कि वाई द एनोड पोटेंशियल इज the विद रिस्पेक्ट टू anode पोटेंशियल is पोटेंशियल पॉजिटिव इन ऑर्डर टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस क्योंकि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो मूव करेंगे अपने अपोजिट चार्जेस की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जबकि हमारे पास एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मूव करेंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन फॉर्म ऑफ बीम अगर हमारे पास कैथोड और एनोड के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उनकी स्पीड भी हमारे पास ज़्यादा होगी और इसी वजह से इट एक्सलैट द इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा जो एनोड है ना उसको हम कैप्ट पॉजिटिव रखते हैं एज कम्पेयर टू तो इलेक्ट्रॉन कैथोड वाले के और कैथोड की जो टेंडेंसी उससे ज़्यादा ही रखते हैं ताकि वो ज़्यादा स्पीड से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे नेक्स्ट है हमारे पास कि वाई अ लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड के हम लार्ज पोटेंशियल क्यों अप्लाई करते हैं उसको स्पीड अप करने के लिए ड्यू टू द लॉर्ज नैरो बीम ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स विल मूव एनोड लार्ज पोटेंशियल रहने की वजह से समझ आ गई ना कि हमारे पास हाई स्पीड बीम जनरेट हो रहा होगा और लास्ट है कि वाई द ट्यूब इज इवैकुएटेड हाई प्रेशर कॉज इज दस इन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट्स वाई द ट्यूब इज एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली मूव कि अगर हमारे पास उसके अंदर प्रेशर होगा यानी कि एयर होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एयर के पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे उससे हिंड्रेंस होगी हिंड्रेंस की वजह से हम एक्चुअल उसकी जो मूवमेंट है ना उसको स्टडी नहीं कर पा रहे होंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी आइडियलिस्टिक अप्रोच के लिए हम लोग उसको इवैकुएट करते हैं यानी कि उसके अंदर जो प्रेजेंट एयर होती है उसको बाय यूजिंग वैक्यूम पंप हम रिमूव कर देते हैं और इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी को करते हैं तो अगर आपके पेपर में एक इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको वन बाय वन जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है इस तरह आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे